वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सभी से फिर इस ब्लॉग में मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बीच वाले पोर्शन में हूँ मैं अभी, जहाँ माई रहती हैं, ये बीच वाला पोर्शन में पूरे में माई रहती हैं, तो ये मैं अभी यहाँ पर हूँ। और आज मैं माइक मोहानी ने मुझे कुछ काम दिया है करने के लिए, तो मैं उसको मैं सोच रही हूँ अच्छे से करूँ। तो मैं सबसे पहले बनाऊँगी, माई ने कहा है जर्दा बनाना है, तो मैं वो बनाऊंगी आज जर्दा, क्योंकि उन्हें मासूम बच्चों को जर्दा खिलाना है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया है पहले ही वीडियो में कि बिलाल की तबीयत ख़राब है, तो मोहानी जो है काफ़ी परेशान है, तो मोहानी इसलिए मासूम बच्चों को थोड़ा जर्दा और बनवा रही हैं, तो वो बच्चों को खिलाने के लिए, तो मैं वो बना रही हूँ। बिलाल जो रहता नहीं है अब किसी के पास, क्योंकि वो चिड़चिड़ा सा रहा है और ज़्यादा, तो इस वजह से माई के पास ही रहता है, और इसलिए माई नहीं कर पा रही कोई काम, तो इसलिए माई ने मुझको ये काम करने के लिए कहा है, तो मैं माई की पूरी तरीके से अच्छे से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो माई ने कहा है तो मैं वो कर रही हूँ। और अभी बैठी है मुस्कान कर रही है अपनी ड्रेस पर प्रेस, और देखिए बिलाल का चूल्हा लगा है यहाँ पर है, क्या आएगा बिलाल का झूला। मामू लेके आए हैं बिलाल को खुश करने के लिए, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया था, काफ़ी अच्छा लगा। और बिलाल जब इस पर बैठता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और फिर भी अभी वो बीमार है तो चिड़चिड़ा सा रहा है, तो इतना खुश नहीं है, वरना पहले तो थोड़ी बात पर कितना खुश रहता था, काफ़ी अच्छा लगता। और अभी बस मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो पानी उबल गया है, मैंने पानी रख दिया था चावल के लिए, और चावल फुलाने रख दिए करीबन एक घंटा पहले, और मैंने चावल धो लिए हैं, फुलाने रख दिए थे, फिर आप धोए हैं, तो मैंने पानी में डाल दिया है, पानी खोल लिया था अच्छी तरीके से। और अभी देखिए चावल मैंने चेक किए हैं, चावल गल गए हैं, और अब मैं इनको पसा रही हूँ, यानी छलनी में निकाल रही हूँ। तो एक में आ नहीं पाए, एक किलो चावल हैं, ये गलत से चावल हैं, तो ये दो छलनी में मैंने करके रख दिए हैं। अब मैं इनको जो है कि बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये माँ को सोयाबीन ऑयल है, आधे किलो का पैक है, तो मैं इसे बना रही हूँ। चाहे घी हो तो घी से बना लीजिए, या सोयाबीन ऑयल हो तो सोयाबीन ऑयल से बना सकते हैं, जिस बनाना हो उससे बना लीजिए। तो अब मैं सोयाबीन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसमें इलायची कूट रही हूँ, और मैंने रिफाइंड उसमें सोयाबीन ऑयल डाल दिया था, और इलायची भी मैंने कूट ली है। और अब मैं इसमें सोयाबीन ऑयल जो गर्म हो जाए, ऑयल गर्म होने के बाद मैं इलायची डाल दूँगी। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं सोची मैंने ये काट लूँ, ऑयल गर्म हो गया और मैंने वो डाल दी है। और अब मैं चावल और चीनी डालूँगी, तो पहले ऐसे चावल डालती जाऊँगी, एक परत चावल की बनाऊँगी, फिर एक परत चीनी की बनाऊँगी। तो पहले मैंने नीचे चावल फैला लिए हैं, और एक किलो चावल थे और ये एक किलो चीनी है, तो पहले चावल डाल दिए मैंने एक परत चावल की बना ली, और फिर मैंने एक परत चीनी की मिला ली, और फिर ऐसे कर करके मैंने ये चावल एक ना डलिया में थे वो एक चावल हो चुके हैं, अब जो दूसरी और ये लास्ट, ये पूरा भगोना हमारा फुल हो चुका है एक किलो चावल का। ये फूल कर काफ़ी हो जाते हैं गुलाब से चावल, काफ़ी अच्छे टेस्ट आता है, अच्छे बनते हैं। तो ये मगरिब का टाइम हो गया था, शाम के टाइम बना रही थी, तो मैंने जब तक सोचा मेरी चीनी हो रही है सूख रहेगी तब तक मैं नमाज़ पढ़ी, तो मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने देख ली बिल्कुल चीनी सूख चुकी है, बिल्कुल थोड़ी बहुत रह जाती है, उसके बाद मैं एक कलर डाल रही हूँ, मैं ग्रीन कलर, रेड कलर और येल्लो, और जो अपना ऑरेंज कलर जो जर्दे में यूज करते हैं वो, उन कलर की मैं जो इसमें लाइन बना रही हूँ, ये ग्रीन कलर की लाइन बनाती, तो इसमें इस तरह वाइट कलर का अपन जो है चावलों को उबाल लूँ, उबालने के बाद में इस तरह अपन जर्दा, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी टेस्टी, काफ़ी अच्छा जर्दा बनता है इस तरह बनाने से।
और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब घर में मेहमान वगैरह आते हैं, रिश्तेदार वगैरह आते हैं, कोई भी आए या दावत में भी इस तरह ज़्यादा बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा ऊपर से ये ऑयल थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ, और जो मेवे थे मैंने वो मेवे डाल दिए हैं। अब इसको ढक के गैस बंद करके रख देंगे, जब बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल इसको अच्छे तरीके से रख देंगे जैसे ये कलर पी ले, तो मैं काफ़ी देर बाद आई सारे काम से फ्री होके, मैं भी अपना नीचे काम कर आई, फिर मैंने इनको चलाए हैं। ये देखिए कलर कितना अच्छा कलर आया है, सारे कलर जो है कि राइस में मिल चुके हैं। और जो है कि मैंने ज़रदा ये 1 किलो चावल का ज़रदा, इतना ज़रदा मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया, पहली बार बनाया है वो भी मुआनी के यहाँ पर। और सभी बोल रहे थे, मैंने तो नहीं खाया था जब, मगर मैंने भी बाद में खाया था, काफ़ी सभी बोल रहे थे, पहले सभी ने बता दिया था कि काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना है। मैं सोच रही थी मैंने कि पता नहीं कैसा बनेगा, इससे पहले इतना बनाया नहीं है ना, थोड़ा बहुत बनाया है घर में, और भगोना भर के बनाना में और थोड़ा बनाने में अंतर होता है, मगर फिर भी अब बनाने लगी हूँ खाना तो आ गया है बनाना सोचती हूँ कभी कभी। और अब बना रही हूँ मैं आलू के परांठे। बुसरा जो है अभी छोटी है, तो बुसरा को काम मेरा करने में इतना नहीं आता, और यह मेहमानी अपनी आई थी, तो मैं आलू के परांठे बना रही हूँ अभी। तो बुसरा नहीं कर पाती है, और मोहानी को आपको मालूम है कि वो किस वजह से नहीं कर पाए, तो इस वजह से मैंने आज मोहानी का खाना बनाया है। और वैसे सब बहुत से काम होते हैं जिनमें वो भी मेरी हेल्प कर देती हैं, मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ, अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता नहीं है कि हम किराएदार हैं, ये वो हमारे किराएदार, सॉरी हम कह रहे हैं या वो हमारे किराएदार हैं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता है। एक ही घर में रहते हैं हम, बिल्कुल एक साथ मिलकर रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ना ही वो हमको फील होने देती हैं कि वो हमारे किराएदार हैं, ना हम उनको फील होने देते हैं कि वो हमारे किराएदार हैं। मकानदार यार कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, इसमें क्या बोल रही हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रही हूँ कि ना ही हम लोग को ऐसा लगता है कि वो हमारे किराएदार हैं, और ना ही हम उनको ऐसा फील देते हैं कि वो हमारे किराएदार हैं। अब सही थोड़ा समझ में आया मेरे, यार कभी कभी कोई बात होती है उनमें बोलने में कन्फ्यूज़न हो जाती है, और मैं कन्फ्यूज हो गई अभी, पता नहीं क्या मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। तो अभी बन रहे हैं आलू के पराठे, और मोहानी कह रही कि मुझको तो रोटी खानी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि बिलाल है, बिलाल को मोहानी मैं दूध पिलाती हूँ, तो खाने के पराठे वगैरह से क्या होगा, तो इसलिए मोहानी के लिए मैं बना रही हूँ रोटी। और पराठे भी मैंने सेक दिए थे, सवेरा मुस्कान खा रही थी, और अब मैंने सेक दी हैं रोटियाँ मोहानी के लिए। देखा फ्रेंड्स,
बिलाल को कैसा झूलना झूलने में मज़ा आ रहा है, और अभी मुआनी बिलाल को झुला रही हैं, मगर फिर भी बिलाल के मुंह पर वो स्माइल नहीं है जो बिलाल अच्छा था जब खेलता था, जब होती थी। अभी वो बीमार हैं तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर पूरा करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।